राजस्थान में चुनाव प्रचार अपने आखिरी पड़ाव पर है। कयास लगाए जा रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनेगी। इसी बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी का शिकायतों भरा बयान सामने आया है, जिसमें वो पार्टी की नीतियों पर सवाल खड़ा करते हुए दिख रहे हैं। आखिर क्या कहा है सीपी जोशी ने, देखिए हमारी खास पेशकश। राजस्थान देश के उन चंद राज्यों में शुमार है जहाँ हर बार सत्ता परिवर्तन का रिवाज है। जहाँ एक बार बीजेपी जीतती है तो अगली बार कांग्रेस। फिर से राजस्थान में चुनाव है, सत्ता में बीजेपी है और विपक्ष में है कांग्रेस। जहाँ तमाम सर्वे और सट्टा बाजार के आंकड़े इस बात को दर्शा रहे हैं कि इस बार भी यही सिलसिला जारी रहेगा। जाहिर है कि इस बार कांग्रेस राजस्थान की सत्ता पर काबिज होगी, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सीपी जोशी ने बयान देकर पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाए हैं। दरअसल पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी जोशी ने सूबे में पार्टी की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस अगर बेहतर टिकट बांटती तो और भी अच्छे नतीजे आ सकते थे। इसके अलावा जोशी ने कहा कि विधानसभा चुनाव के नतीजे अगर कांग्रेस के पक्ष में आए तो राहुल गांधी मोदी सरकार के खिलाफ पूरे विपक्ष के नेता होंगे। सीपी जोशी के इस बयान को सुनकर लगता है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने टिकट बंटवारा सही तरीके से नहीं किया। वहीं जोशी इस बात को बखूबी समझते हैं कि चुनाव में छोटी सी चूक भी बहुत भारी पड़ सकती है। ये बात उनसे ज्यादा बेहतर और कोई नहीं जान सकता है, क्योंकि कांग्रेस का एक कद्दावर नेता महज एक वोट से चुनाव हार चुका है, इसलिए उन्होंने इसको भांप कर ही ये बात कही। लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। अब तो देखना ये होगा कि ये तीर जीत के निशाने पर लगता है या फिर हार की तरफ मुड़ जाता है, जिसका फैसला 11 दिसंबर को हो जाएगा। खबर अपडेट की रिपोर्ट।